हेलो दोस्तों, लाइव ऑन फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट अंसार अहमद और आप देख रहे हैं लाइव ऑन। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि आप फ्लाइट टिकट को कैसे IRCTC जो यानी कि रेलवे की जो वेबसाइट है, कैसे उससे आप फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जैसा कि आपको मालूम है कि रेलवे जो है और उसी की एक है IRCTC फ्लाइट। वहाँ पर आप जाके कोई भी एयर टिकट जो है बुक कर सकते हैं। फ्लाइट की जो बुकिंग है, मैं इससे रिलेटेड कई वीडियोज़ क्रिएट कर चुका हूँ पेटीएम और दूसरे प्लेटफॉर्म से। तो मैं आज बताने वाला हूँ IRCTC कैसे आप फ्लाइट बुक करेंगे। तो सिंपली आपको जाके गूगल में टाइप करना है IRCTC फ्लाइट, और इसको ओपन जब करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो फर्स्ट आएगी वेबसाइट www.airirctc.co.in, तो इस पर विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके भी आप डायरेक्ट इस पर पहुँच सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ पे पहले वेबसाइट पे विजिट करना है। तो इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको ज़रूरी है कि IRCTC का एक अकाउंट होना चाहिए। उससे रिलेटेड मैं एक वीडियोस बना चुका हूँ, ऊपर यहाँ पे आई आइकन पे क्लिक करके आप उस वीडियोस को देख सकते हैं कि कैसे आपको इसका अकाउंट अब क्रिएट करना है। अगर मैं उस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए यहाँ बैठूँ तो वीडियोज़ लंबी हो जाएगी। और बुकिंग के लिए आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है, उसके बाद ही आप जो बुकिंग कर सकते हैं उसका जो भी पेमेंट करना रहेगा कर सकते हैं। तो उससे पहले आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से मैं रियाद में हूँ, तो फिलहाल मुझको मालूम है कि इस टाइम कोरोना का ये इफेक्ट चल रहा है, तो रियाद से कोई भी फ़्लाइट नहीं होगी। फिर भी हम चेक करने के लिए देख सकते हैं, उसके बाद मैं डोमेस्टिक आपको दिखाऊंगा। पहले फर्स्ट टाइम हम इसको चेक कर लेते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि दिया है वन वे राउंड ट्रिप मल्टी सिटी, तो यहाँ से हम वन वे लेते हैं। और यहाँ से डेट दे रहा है किस डेट में आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम 21 कर लेते हैं। और यहाँ से हम रिटर्न डेट दे रहा है, तो हमको वन वे हम चूज़ किए हैं, तो हमको ज़रूरी नहीं है हम पे रिटर्न डेट देने की। उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो आई थिंक कि कोई वेब यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जितने भी वेब फ्लाइट है सब क्लोज है। तो हम देख सकते हैं कोई फ्लाइट नहीं आई है। तो हम यहाँ पे डोमेस्टिक यहाँ पे एक दफ़ा फिर से सर्च कर लेते हैं। तो हम यहाँ से बैक हो जाते हैं, और बैक होकर हम यहाँ से लखनऊ टू बॉम्बे कर लेते हैं। ये डोमेस्टिक रहेगी तो डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है चालू रहती है किसी भी कंट्री की। तो यहाँ से हम कर लेते हैं मुंबई, और यहाँ से आप डेट चूज़ कर सकते हैं किस डेट में आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि सारी डेट्स और उसकी फेयर्स साथ में आ रहे हैं, तो आप किसी भी डेट को चूज़ करेंगे, उसके नीचे किराया भी रहता है। तो यहाँ से हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सर्च कर रहा है यहाँ पे जितने भी उस रूट से जाने वाले फ्लाइट्स होंगी, सबकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और सबकी प्राइस भी यहाँ पर आपको दिख रही है। तो यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं सब में क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो अलग अलग फ्लाइट्स के अलग अलग फेयर्स होते हैं, और तो किसी किसी में आपका जो है खाना फ्री रहता है, किसी में देख सकते हैं कि नॉन रिफंडेबल रहता है, या हम देख सकते हैं कि पार्टली रिफंडेबल है, किसी में पूरा रहता है, किसी में नॉन रिफंडेबल रहता है, तो वो सब देख के आपको बाय करना रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस दे रही है, कितना टाइम लगेगा लखनऊ टू मुंबई, टू आवर्स सब है। अब प्राइस को अगर आप यहाँ पे ये करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्राइस है ऊपर आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो शॉर्ट करके जो सबसे कम प्राइस रहेगी वो ऊपर देगा। इसी तरह यहाँ पे टाइम दिया गया है, तो यहाँ देख सकते हैं कि डिपार्चर जो है 7:45 पे है, अराइवल जो है 10:05 पे है। 2 आवर्स का डिस्टेंस टाइम लगेगा, यानी 2 घंटा आपको फ्लाइट में रहना रहेगा, नॉन स्टॉप है। सिंपली आपको बुक पे क्लिक कर देना होगा। बुक पे जैसे क्लिक करेंगे पूछ रहा है कि आपके पास GST नंबर है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास GST नंबर नहीं, तो हम नो करेंगे। नो करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपके पास IRCTC का अकाउंट है, तो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आप IRCTC का जो भी अकाउंट है वो क्रिएट भी कर सकते हैं, तो कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स देगा कि आपको इसमें क्या मिलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो वो सब ख़रीद भी सकते हैं, जैसे आपका वेज नॉन वेज या इस तरीके के आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे ऐड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना होगा, यानी जो भी आपका नेम है वो सब देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ऐड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उसे जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से पूछेगा कि आपके मतलब आपके पास अकाउंट है, तो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद। तो मेरे पास अकाउंट है तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करके आप इसको साइन अप कर सकते हैं। सिंपली हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पूछेगा आपका नाम पूछेगा, तो यहाँ से हम नाम दे देते हैं। बस आपको नाम देना है डोमेस्टिक में, और ऑटोमेटिक यहाँ से नीचे जो है वो आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट जो बुक करेंगे तो वहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर और ये सब पूछेगा, तो यहाँ पे डोमेस्टिक में उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दे रहा है कि इसमें 59 रुपीज़ का एडिशनल जो चार्ज है वो ऐड किया गया है, तो यहाँ पे इतना आपका फेयर्स हो रहा है।
और यहाँ पे इसके टैक्स और ये सब दे रहा है। उसके बाद यहाँ से फिर से एग्री करना है, उसके बाद कंटिन्यू टू पेमेंट गेटवे पे जाना है। यहाँ पे जो क्या है कि आपको पेमेंट करने के लिए आपका गेटवे ओपन हो जाएगा, यानी आप नेट बैंकिंग से या किसी यूपीआई से या ईएमआई या फ़ोन पे या इंटरनेशनल कार्ड या वॉलेट ऐप है वो सब यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से क्रेडिट कार्ड जो है वो सिलेक्ट है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यहाँ सेलेक्ट है, आप कोई भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, और नेट बैंकिंग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पावर्ड बाई पेटीएम के द्वारा जो नेट बैंकिंग है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग पावर्ड बाई ये सब यह दिया गया है, तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यूपीआई का भी इसी तरह यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, वॉलेट भी दिया गया है, तो पेटीएम वॉलेट और ये सब दिया गया है। इंटरनेशनल कार्ड जो है वो भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। इस तरह ईएमआई मोड में भी आप इसको बाय कर सकते हैं, अगर ईएमआई अगर सर्विस आप यूज़ करते हैं तो। इसी तरह फ़ोनपे को भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो पेमेंट की जो वीडियो दूसरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आसानी सिंपली आपको पेमेंट पे क्लिक करना रहेगा और आगे आपकी जो गेटवे रहेगा पेमेंट का वो ओपन हो जाएगा। अगर आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर कार्ड की डिटेल्स देने के बाद आपको पेमेंट कर देना रहेगा। तो यहाँ से हम डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स को लेकर हम सिलेक्ट करते हैं, आगे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूछ रहा है कौन सा आपके पास कार्ड है, तो यहाँ पे नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड और ये सब दे रहा है। तो यहाँ सबसे पहले नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड यहाँ से चूज़ करें तो डेबिट कार्ड का यहाँ पर नंबर देना रहेगा। इसी तरह क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का भी नंबर यहाँ पर देना रहेगा। इसी तरह IRCTC का अगर आप यूज़ कर रख सकते हैं, आई मुद्रा ये भी एक एप्लीकेशन है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडिंग जो इसका ट्रांजेक्शन जो चार्ज है वो यहाँ पे 11 रुपीज़ हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग इसमें अलग अलग उसका ये ऑप्शन दिया रहता है। और अगर आप बैंक यूज़ करना चाहते हैं तो बैंक यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे 5 बैंक्स दे रहे हैं। अगर यहाँ पे आपका बैंक नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करिएगा, तो सारे बैंक जो आपके इंडिया में यूज़ करते हैं सारे की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। उनमें से किसी को भी आप यूज़ करके, उनकी नेट बैंकिंग यूज़ करके आप सिंपली आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे तो आपका जो वॉलेट से या अकाउंट से जो है इतना पैसा कट जाएगा और आपका जो टिकट है वो बुक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से IRCTC की मदद से आप कोई भी फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। तो आई होप कि ट्यूटोरियल आपको पसंद है, पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। इस तरह की वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत, थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।